ओके गाइस, ये देखो, बताओ कितने सर्कल्स हैं यहाँ पे, बताओ कितने सर्कल्स हैं। तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 सर्कल्स हैं यहाँ पे। आप मुझे बताना आप कितने सर्कल हैं। मैंने ये नया सर्कल ऐड किया, अब बताओ कितने हैं। तो आपको पता ऑलरेडी 7 थे, मैंने एक नया सर्कल ऐड किया, तो इसका मतलब 8 सर्कल हो चुके हैं यहाँ पे। ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने अपनी मेमोरी के अंदर, अपने दिमाग में स्टोर कर लिया था कि यहाँ पर पहले 7 सर्कल थे, इस बंदे ने एक नया सर्कल ऐड किया, तो यहाँ पे अब 8 सर्कल हो चुके हैं। आपने जब मैंने ये सर्कल ऐड किया, तो दोबारा नहीं गिना पूरा का पूरा, क्योंकि आपको पता था कि पहले का रिजल्ट क्या था और अब क्या रिजल्ट आया है। इस चीज को कहते हैं मेमोइजेशन, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर यही यूज हो रहा होता है। यही वो कंसेप्ट है जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को इतना एफिशिएंट बनाता है, मेमोइजेशन। और आज हम जानने वाले हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है, हमें पता कैसे लगता है कि कोई क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है या नहीं है, और उसको सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो सब गाइस, अनुज हियर, और आज की वीडियो बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये वाला वर्ड डीपी, ये हमने काफी बार सुन लिया होगा, और ये भी सुना होगा इसके साथ साथ कि यार बहुत मुश्किल होती है, समझ नहीं आती क्या करें, और बिगनर्स के दिमाग में बिठा दिया जाता है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग पता नहीं कितनी बड़ी चीज होती है, और फिर उस पूरे टाइम डरते रहते हैं, और सीखते भी है ना जब उसे, तो वो रटने लग जाते हैं उसे, जिसकी वजह से पूरे की तरीके से उसका कंसेप्ट ग्रेस्प नहीं कर पाते। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें, हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यार बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स, जो अगर आपको पता चल चुके हैं, अगर पता चल जाएंगे, तो उसके बाद आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बिल्कुल नहीं डरोगे। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कोई भी इतनी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आज जानने वाले हम कैसे सॉल्व होती है। बेसिकली एक रिकर्जन है, रिकर्सिव तरीके से ही सॉल्व होती है। बस थोड़ा सा इसके अंदर एक मेमोरी और यूज कर लेते हैं हम, जिससे कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ देते हैं हम, वो तो रिकर्शन करता ही है, राइट। लेकिन उस छोटी प्रॉब्लम के रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं अपने पास, जिससे कि अगर वो कभी दोबारा से वैसी छोटी प्रॉब्लम हमें मिले, उससे एनकाउंटर हो हमारा, तो उस छोटी प्रॉब्लम के रिजल्ट को हम वापस रिटर्न करते हैं। क्या कह रहा हूँ, जरा ठीक से देखो। तो बेसिकली मैं एक छोटी सी पिक्चर बनाने वाला हूँ। सपोज करो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, पी, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में तोड़ा जा सकता है। सपोज करो इन छोटी छोटी तीन स्मॉल प्रॉब्लम्स में तोड़ा जा सकता है, P1, P2 एंड P3। तो अगर इस बड़ी प्रॉब्लम को इन तीन छोटी प्रॉब्लम में तोड़ा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि पी का रिजल्ट लाने के लिए हमें पी वन चाहिए, पी टू चाहिए, पी थ्री चाहिए। और अगर सिमिलर स्ट्रक्चर पी वन का भी है, पी वन को भी तोड़ा जा सकता है तीन पार्ट में, पी टू को भी तोड़ा सकता है, पी थ्री को भी तोड़ा सकता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का एक सब स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब स्ट्रक्चर, इस प्रॉब्लम का एक सब स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, सब प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस तरीके के सॉल्यूशन को, मतलब जहां पर हम एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं काफी सारे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर उसे सॉल्व करते हैं, उसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर ये मर्ज सॉर्ट के अंदर होता है। आपका मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या होता है, एक एरे को आप दो पार्ट में तोड़ देते हो, इसको अलग सॉर्ट करते हो, इसको अलग सॉर्ट करते हो, और सेम उस छोटे तोड़े हुए एरे के साथ भी यही करते हो, उसको दोबारा से तोड़ते हो, इस वाले एरे को भी दोबारा से तोड़ते हो, ऐसे करते करते जाते हो, छोटे छोटे करते जाते हो, जब तक इससे ज्यादा और वो नहीं टूट सकते, उसके बाद सॉल्व करते हैं, इसे कहते हैं हम डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर क्या होता है, ये जो सब स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सब प्रॉब्लम जो बन रही है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, तीनों इंडिपेंडेंट है, मतलब तीनों को जाकर सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब P1 को जाके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, P2 को सॉल्व करना पड़ेगा, P3 को सॉल्व करना पड़ेगा, और इनके रिजल्ट को फिर आपको P को देना पड़ेगा। लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्या खास बात होती है, कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, इनके बीच में आपस में थोड़ा थोड़ा रिलेशन होता है, मतलब ये ओवरलैप कर रही होती है आपस में, मतलब ये ऐसी नहीं होती ये, इनके बीच में ना ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रही होती है, ऐसे, ये देख लो P1 और P2 ऐसे ओवरलैप कर रही है। सिमिलरली सपोज करो P2 और P3 भी ओवरलैप कर रही है, तो ये ओवरलैपिंग एरिया है, और इसी वजह से, इसी का हम फायदा उठाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, P1 को सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा, तो P1 तो पूरा का पूरा ये है ना, P1 तो पूरा का पूरा ये है, तो हमने P1 को पूरा का पूरा सॉल्व किया। लेकिन जब P2 को सॉल्व करने जाएंगे, तो हम देखेंगे अच्छा P2 का इतना वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना चाहिए हमें, तो इसको हम क्या करते हैं, एक मेमोरी में स्टोर करते रहते हैं। हमारे पास मेमोरी होती है जहां पे हमने P1 को रखा हुआ है, ये P1 का रिजल्ट है। P2 के अंदर हम देखते हैं प्रॉब्लम 2 के अंदर कि अच्छा P2 का थोड़ा बहुत रिजल्ट क्या P1 के अंदर मिल रहा है हमें, क्या हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, अगर हाँ हमने सॉल्व किया हुआ, तो P1 के अंदर से उसे रिटर्न कर दो, उसको दोबारा से कंप्यूट मत करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम के अंदर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, वहां पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगती है। और ये चीज समझ में नहीं आती शुरुआत में, लेकिन जब हम इसके अंदर इनफ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स से एग्जांपल्स कर करके हमें समझ में आता है कि अच्छा यहां लग रहा है कि ये बड़ी प्रॉब्लम थी, ये छोटी प्रॉब्लम थी। अभी हम देखेंगे एग्जांपल से कि ये कैसे
ये चीज होती है। तो समझ में आया होगा, सबसे पहली चीज तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग और एक डिवाइड एंड कॉन्कर, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हमें समझ में आ गया, राइट। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर भी हम डिवाइड करते हैं लेकिन सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनके बीच में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ पार्ट होता है जो ओवरलैप कर रहा होता है जिसको हम स्टोर कर लेते हैं मेमोरी के अंदर और उसके बाद उसी वजह से हम उसे ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। अब जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, ठीक है। सपोज करो ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको बोल रखा है कि आपको आपके पास कुछ कॉइन्स दे रखे हैं, डिनोमिनेशन है, मतलब कि आपके पास जो कॉइन्स होंगे वो होंगे सिर्फ एक रुपए का कॉइन होगा या पांच रुपए कॉइन होगा या फिर सात रुपए कॉइन होगा, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता मुझे पता है, लेकिन सपोज करो कि आपके पास जो कॉइन्स हैं बहुत सारे एक रुपए के कॉइन है, बहुत सारे पांच रुपए कॉइन है और बहुत सारे सात रुपए के भी कॉइन है, ठीक है। और मैं बोलता हूं आपसे कि 18 रुपए बनाओ मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स में, तो आप कैसे करोगे इसे? अब हम में से कुछ लोग क्या होंगे, हम क्या करेंगे कि सात रुपए के ना दो कॉइन बना लेते हैं क्योंकि सात सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, तो सात रुपए के दो कॉइन लेते हैं, 14 रुपए उससे हो जाएंगे और उसके बाद जो बचे चार वो हो जाएंगे यहां से, चार रुपए यहां से निकाल लेंगे 1 × 4 तो वो हमारे हो गए 18, राइट। तो उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने लगे, तो सात के तो हमारे दो लगे और वन के हमारे चार लगे, तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 + 2 = 6, यहां पे हम 6 कॉइन्स लगा रहे हैं। और इस अप्रोच को हम बोलते हैं ग्रीडी अप्रोच, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होने वाली है, हमें पहले से पता चल जाता है कि हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये होते हैं ग्रीडी अप्रोच, हर बार हमें पता है कि इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है कुछ बिना कम्प्यूटेशन करे। और हमें पता कैसे है कि मैंने सात चुन लिया एक बार, तो अब मुझे पता मैंने सात चुन लिया, अब मेरे 18 में से सात का तो काम हो गया, मतलब मेरे पास 11 रुपए बचे। अब मुझे फिर से पता है कि 11 में से मैं दोबारा से सात चुनने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद 11 में सात चुने अब बचे 4 रुपए, अब मैं 4 रुपए में देखूंगा ना तो सात चुन सकता ना पांच चुन सकता, तो मैं एक को ही मुझे 4 बार चुनना पड़ेगा, तो यहां मुझे फिक्स कर लिया मैंने अपने पाथ। ये होता है ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। लेकिन यहां पर ग्रीडी अप्रोच फेल कर रही है, फेल कैसे कर रही है, क्योंकि यहां देखो आपके बन रहे टोटल 6 कॉइन्स, लेकिन वहीं पे अगर हम ये यूज करते हैं, एक बार 7 रुपए का कॉइन यूज करते हैं, दो 5 रुपए कॉइन यूज करते हैं तो कितने हो गए, 3 कॉइन हो गए, और एक बार 1 रुपए कॉइन यूज करते हैं, तो हम 4 कॉइन्स के अंदर अपना काम यहां पर निकाल सकते हैं बजाय 6 कॉइन्स के। तो यहां पर मैं इससे अच्छा, इससे बेटर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है कि 7 रुपए का तो 1 कॉइन यूज करो, 5 रुपए के 2 कॉइन यूज करो और 1 रुपए का 1 कॉइन यूज करो, टोटल आपके सिर्फ 4 कॉइन्स आएंगे, जबकि यहां पर आप सम करोगे तो 18 रुपीज आपके यहां बन जाते हैं, ठीक है। अब ये लेकिन सोचना थोड़ा मुश्किल है कि ये आपने कैसे सोच लिया भैया कि इस तरीके से कैसे चलेगा आप, ये वाला तो हम सोच सकते हैं कि हर बार एक मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम चीज उठाते हैं, मैक्सिमम चीज उठाते हो, लेकिन ये होती है ग्रीडी अप्रोच, और ये अप्रोच कई बार काम नहीं करती, कई बार काम करती है, कुछ सोल्यूशन में देख के रखते हैं कि ये तो बहुत इंट्यूटिव है, ये तो ऐसे ही होगा, लेकिन यहां पर ये फेल कर रही है। तो जरा यहां देख लेते हैं कैसे यहां पर ये वाला तरीका कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला तरीका कैसे काम कर रहा है, और यहां से आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच को कैसे लगा सकते हो, कैसे आप इस प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम बना सकते हो जो कि आपकी ओवरलैप कर रही है। हर बार डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर हमें यह देखना होता है क्या हमारी प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम्स बन सकती है जो ओवरलैप कर रही है। कई बार होता है आपका मिनिमम मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है, हमेशा ऑप्टिमाइजेशन ट्रैक की प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, मतलब हमेशा ऑप्टिमाइज करना होता है इसके अंदर, ठीक है। ग्रीडी में भी सेम आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, लेकिन इसके अंदर आपके मल्टीपल रास्ते होते हैं और उन रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना होता है। ग्रीडी के अंदर हमें पता होता है कि इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। डायनेमिक के अंदर हमें हर स्टेप पे कैलकुलेशन करनी होती है और फिर एक सेलेक्ट करना होता है रास्ता, कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना है, फिर उस रास्ते पे आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, जरा देख लेते हैं ये वाली प्रॉब्लम कैसे आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में चेंज होती है। तो सपोज करो आपको 18 रुपए बना देते, ठीक है, और आपके पास वही कॉइन्स है, 7 रुपए कॉइन है, 5 रुपए कॉइन है और 1 रुपए कॉइन है, ठीक है, ये 3 कॉइन्स आपके पास, आपको 18 रुपए बनाने हैं। आपके पास मैं कहता हूं 3 रास्ते हैं, अभी आप खड़े हो और सोचो कि आप ना फ्यूचर देख सकते हो, आपको नहीं, आप ना पहले ही मत बताने लगे हो कि इसके अच्छा 4 कॉइन आएंगे या 5 कॉइन, 5 से बना लूंगा या 6 से बना लूंगा, ये मत सोचो, आप ये सोचो कि आप बैठे बैठे फ्यूचर सोच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्यूचर में एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना, फ्यूचर में क्या करना है, 18 रुपए हमें बनाने थे लेकिन हम क्या करेंगे 7 रुपए कॉइन यूज कर लेते हैं, और 7 रुपए का जब हमने कॉइन यूज कर लिया तो 18 में 7 गए तो बचे आपके पास सिर्फ 11 रुपए, तो हमारी प्रॉब्लम स्मॉल हो गई है। हमें आप सिर्फ 11 रुपए के लिए बताना है आंसर, और सिमिलरली कॉइन तो हमारे पास अभी वही है 7, 5, 1, ठीक है, कॉइन तो अभी हमारे पास 7, 5, 1 ही है, तो मैं बार बार ये 7, 5, 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो अगर हमने 7 यूज किया तो हम यहाँ पे आ गए 11 पे। आप सोचो कि आपने 7 यूज ना करके आपने 5 यूज किया होता, ठीक है, तो 18 में से 5 गए आप आगे 13, राइट, ये कब आया, जब हमने 5 यूज किया। और हो सकता है कि आपने 5 भी यूज किया, आपने 1 यूज किया,
और अब क्या होगा, 18 में से बन गए आपके आगे 17 जो आपने वन यूज किया, ठीक है। तो अब आप एक एक स्टेप फ्यूचर में आगे जा चुके हो, लेकिन रुकना ही नहीं है वहां पे, अभी और आगे बढ़ना है। अब फ्यूचर में आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो जो आपने सबसे पहला स्टेप लिया था ना ये वाला, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ो। अब क्या करो, 11 में से 7 को दोबारा से चूज कर लो। तो 11 में 7 आपने चूज किया तो आपके पास रुपए कितने बचे, आप सिर्फ 4 रुपए, ठीक है। 11 में से 5 चूज करोगे तो आपके बचेंगे 6 रुपए, 11 में से 1 चूज करोगे तो आपके बचेंगे 10 रुपए। ये 5 पे और ये 1 पे आया, ये आपका एक स्टेप और आगे बढ़ गया फ्यूचर में। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे करो, फ्यूचर में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो 13 रुपए हमने निकाले थे 5 रुपए यूज करके, अब सोचो अब हम 7 यूज करते हैं। तो 13 में से 7 गया आपका आया 6, 13 में से 5 गया तो आया 8, और 13 में से 1 गया तो आया 12, ठीक है। और अब क्या करते हैं, सिमिलरली इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। तो 17 में से 5 गया आया आपका 12, 17 में 7 गया तो आया आपका 10, 17 में 5 गया तो आपका आया 12, और 17 में से 1 गया आपका आया 16, ठीक है। अब हम फ्यूचर के अंदर हर एक जगह पे दो दो स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, राइट। और अब सेम काम हमें रिपीट करना है, हर बार ऐसे आगे बढ़ते रहना। कब तक आगे बढ़ना है ऐसे, जब तक हमारा ये जो कॉइन है ना, जो रुपए हमें बनाने हैं वो बिल्कुल जीरो ना हो जाए, ठीक है। लेस देन जीरो होंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, जब तक जीरो ना हो जाए तब तक हमें ऐसे करके आगे बढ़ते रहना है, और उसके बाद हमें रिजल्ट अपना रिटर्न करना है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आपकी कुछ प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, 6 रुपए आपको यहाँ भी बनाने हैं, 6 रुपए आपको यहाँ भी बनाने हैं, ऐसे 12 का आपको यहाँ भी काम करना है, 12 आपको यहाँ भी बनाना है, सिमिलरली यहाँ पे आपको 10 बनाने हैं, 10 यहाँ भी करना है। तो एक बार जो आपने इसके लिए सॉल्व किया था इस वाले पाथ पे आने के बाद, वो सेम काम आपको इस वाले पाथ पे आने के बाद ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने 6 यहाँ पे एलोट किया था इस पाथ पे जाने के बाद, वही सेम काम आपको यहाँ पर आके भी करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो क्या कर रहे हो, सेम क्वेश्चन को, सेम यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, सेम क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहे हो, और यहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम ओवरलैप कर रही है। ये वाली प्रॉब्लम ये जो थी और ये वाली प्रॉब्लम जो है वो ओवरलैप कर रही है, देख रहे हो 6 6 दोनों के अंदर आ रहा है। तो 6 सिर्फ इसका कैलकुलेट करो, इसके लिए कैलकुलेट मत करो, इसके लिए क्या करो, 6 जैसे रिजल्ट आया वैसे उसे मेमोरी में स्टोर कर लो, ठीक है, और बोल दो कि यहां पर ये 6 का आंसर है। और जब कोई और उसे बोले कि मुझे 6 का आंसर बता दो, तो आप चेक करो क्या मेमोरी के अंदर ऑलरेडी 6 का आंसर आ चुका है। अगर 6 का आंसर ऑलरेडी आ चुका है तो मेमोरी में से वो रिटर्न कर दो, इसके नीचे दोबारा से स्टेप्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वाली कैलकुलेशन आप ऑलरेडी यहां पर कर चुके हो। सेम चीज आप 10 के साथ भी करोगे, सेम चीज आप 12 के साथ भी करोगे, तो आपको दोबारा से 12 का दोबारा से ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि 12 का आंसर आपको ऑलरेडी यहां आ गया था, इसके लिए 12 का आंसर ढूंढने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करते आते हो अपनी प्रॉब्लम को, और ओवरलैपिंग सबस्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और इसी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं मेमोराइजेशन का यूज होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर, और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, बस सिंपल यही था डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और कुछ नहीं होता, ठीक है। बेसिकली रिकर्सिव प्रॉब्लम है, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि मेमोरी यूज कर लिया तो इसलिए ये डायनेमिक प्रॉब्लम बन चुकी है। इसी को काफी लोग समझाते हैं आपके फिबोनाची सीरीज से भी, वो थोड़ा बहुत बेसिक सी अप्रोच होती है, मतलब उसके अंदर ज्यादा चीज हमें क्लियर नहीं होती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था फिर भी, ठीक है। इसलिए आई होप आपको समझ आएगा कैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो सब प्रॉब्लम में टूटती जा रही है। अच्छा एक और चीज यहाँ देख लो, हर प्रॉब्लम आपके 3 प्रॉब्लम में टूटती आ रही है, 3 में टूटती है, 3 में टूटती आ रही है। तो इसीलिए अगर आप यहां जाओगे तो ओ ऑफ 3 एस पावर एन जाएगा, राइट, 3, क्योंकि यहां पर ये 3 है और ये हर एक बार 3 में टूट जाते, तो ओ बिग ऑफ 3 एस पावर एन, ये आपकी प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती पहले, ठीक है। और हो सकता है ये आपको गिवन हो कि 3 क्वेश्चन में हार्ड कोड कर रखे हो, 3 ही कॉइन मिलेंगे आपको, लेकिन कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि ये भी एम कॉइन्स हो सकते हैं, तो ये आपकी एम रेस पावर एन भी जा सकती है, एम रेस पावर एन भी जा सकती है। एम रेस पावर एन मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, जब हमने ऐसे कर लिया तो हम बार बार उस प्रॉब्लम में नहीं जा रहे, राइट, 6 के लिए हम दोबारा से नहीं जा रहे, 12 के लिए हम दोबारा से नहीं जा रहे, 10 के लिए दोबारा से नहीं जा रहे। तो आप देखोगे अभी हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये ओ एम रेस पावर एन से कन्वर्ट हो जाएगी ओ एम मल्टीप्लाई बाय एन। तो काफी ह्यूज ऑप्टिमाइजेशन हो रही है यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि हम स्पेस यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। तो अब जरा देख लेते हैं कोड करके कि ये कैसे काम कर रहा है, उसके बाद हम धीरे धीरे और भी इसके कंसेप्ट को समझेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैं आया अपने एक्लिप्स के अंदर, और ये मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग नाम से एक पैकेज बनाया हुआ है, इसके अंदर ये मेरी क्लास है और ये सारा का सारा कोड यार आपको अवेलेबल है, मैं आपको लिंक दे दूंगा जहां पर आप जाके सारा कोड देख सकते हो। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ स्टैटिक, और इसका नाम रखते हैं मेन कॉइंस,
और ये लेगा एक नंबर कि कितने रुपए का आपको कॉइन बनाना, मतलब कितने रुपए का आपको चेंजेस बनाने हैं, और एक एरे लेगा जो डिनोमिनेशन होंगी, तो ये एरे है। और बस फिलहाल के लिए हम इतने के साथ ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टैटिक एरे है और स्टैटिक मेथड है जिसके अंदर हम रिटर्न टाइप होगा हमारा एंड। तो अब हमें करना क्या है, ये एक रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है और हमें रिकर्शन पता है ऑलरेडी कैसे काम करती है। सबसे पहले यार होता है बेस केस हैंडल करने होते हैं, उसके बाद रिकर्सिव जो सबस्ट्रक्चर होता है वो सॉल्व करना होता है। ये वाला हो सकता है आपके लिए थोड़ा अलग हो क्योंकि इसके अंदर हम रिकर्शन यूज करने वाले हैं फॉर लूप के साथ। तो ये वाली रिक्वेस्ट भी आई थी कि भैया रिकर्शन फॉर लूप से कैसे कर सकते हैं, तो आज सीखते हैं वो कि वो चीज कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेस केस देखते हैं कि अगर इफ एन आपका 0 है तो रिटर्न कर दो 0। इसका मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि 0 रुपए के बताओ कितने कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो 0 रुपए अगर आपको बनाने हैं तो 0 कॉइन्स में आपके 0 रुपए बन जाएंगे, तो उसका तो सिंपल सा आंसर है ये। लेकिन अब बोला जा रहा है कि 0 नहीं है, तो अब आप आगे कैसे बढ़ने वाले हो। तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, एक लूप चलाओगे इस एरे के अंदर। देख रहे हो, एक बार यहां जा रहे हो, एक बार यहां जा रहे हो, एक बार यहां जा रहे हो, सेम चीज कर रहे हैं यहां भी, रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ कि हमें सिर्फ इसके लिए सॉल्व करना है, इसके लिए सॉल्व करना है, इसके लिए सॉल्व करना है। बाहर क्या हो रहा है, इसके नीचे क्या चल रहा है इस दुनिया में, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। वो सारा का सारा आपका रिकर्जन संभाल लेगा, ठीक है। हमें सिर्फ इस स्टेप को सॉल्व करना है, नीचे क्या चल रहा है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा रिकर्जन से। आपको अगर डीप डाइव करना है तो मैं वो भी दिखा दूंगा, लेकिन हमें सिर्फ इस स्टेप पर फोकस करना होता है, बाकी सारे स्टेप अपने आप रिकर्जन संभाल लेता है। तो जरा देखते हैं कैसे होंगे। तो पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं इस पूरे एरे में जा रहे हैं जो ये एरे की लेंथ है, और पहली बार ये यूज करेंगे, दूसरी बार ये यूज करेंगे, तीसरी बार ये यूज करेंगे, और तीनों में से जो मिनिमम आंसर आएगा ना वो हम रिटर्न कर देंगे, राइट। तीनों में से जो मिनिमम आंसर आएगा, तो आप जो पूरा फैलते जा रहे हो इस ट्री के अंदर, उसमें से कोई एक रास्ता होगा जो आपको मिनिमम ला के देगा, वो वाले को हमें रिटर्न करना है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है। तो देखते हैं कैसे होने वाला है। तो मैं सबसे पहले तो एक लूप लगाऊंगा, फॉर एट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एरे के अंदर लूप लगाया मैंने। अब हम करेंगे कि इंट सब आंसर, कि सब प्रॉब्लम का आंसर क्या आ रहा है। तो सब प्रॉब्लम का आंसर आ रहा है आपका मिन कॉइंस एन माइनस ए आई एन ए। तो देखा मैंने क्या किया, मैं सब प्रॉब्लम पे चला गया। अब यहां से मैं इस सब प्रॉब्लम में चला गया, मैंने 18 में से 7 माइनस किया, 11 आ गया, और अब मेरी प्रॉब्लम ये 11 बन चुकी है। अब मैं इस 11 के लिए सेम काम करने वाला हूँ। तो ये सब आंसर तो ये इस चीज की हैंडलिंग कर लेगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ चीजें जो हमें ठीक से हैंडल कर लेनी है। वो क्या, तो सबसे पहले एन माइनस ए आई ये लेस देन 0 भी जा सकता है। हो सकता है आपके पास एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन हो, मतलब हो सकता है कि आपके पास 7 रुपए का नोट हो लेकिन आपको बनाने सिर्फ 6 रुपए, तो आप यहाँ पे 6 माइनस 7 करोगे मतलब -1 हो जाएगा आपका, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो ऐसे केसेस ना मिले हम, उसके लिए हम कर देते हैं कि इफ एन माइनस ए आई ये कभी भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी इसके अंदर आगे बढ़ना है, ठीक है। ये वाले काम हमें सिर्फ तभी करना है जब हमारा एन माइनस ए आई ये मतलब ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहां से आगे हमारा सब आंसर। अब हम चेक करेंगे एक आंसर का, मैं एक वो बना लेता हूँ वेरिएबल, तो इंट आंसर बना लेता हूँ जिसको मैं स्टार्टिंग करूंगा जिसकी मैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से, ठीक है। तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से मैंने इस वेरिएबल को स्टार्ट कर दिया, और मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जो सब आंसर है +1, सब आंसर में अगर मैं +1 करता हूँ, ये अगर मेरा छोटा है आंसर से, तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए सब आंसर +1। तो मैं समझ लेता मैंने क्या किया। तो मैं बेसिकली यहां भी गया, यहां भी गया, यहां भी गया, और क्या किया मैंने, सबसे पहले मैं इधर आया और 18 में से 7 माइनस किया, 11 आ गया, ठीक है। और यहां से कुछ आंसर मेरे पास आया होगा, मैंने वो वाला आंसर यहाँ पे रिटर्न किया, और मैंने चेक क्या किया, ये वाला जो सब आंसर है, ये जहां से सब प्रॉब्लम से जो आंसर आया है, ये वाला आंसर मेरे करंट आंसर से छोटा है कि नहीं है। अगर करंट आंसर से छोटा है तब तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, वरना एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और साथ में मैं +1 भी कर रहा हूँ। +1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहां पर जो प्रॉब्लम थी वो थी 18 रुपीज के लिए, राइट, और यहाँ जो प्रॉब्लम बन चुकी है वो 11 रुपीज के लिए बन चुकी है। तो 11 रुपीज वाले आंसर में मैं 1 ऐड करूंगा जिससे कि मेरा 18 रुपए का आंसर आ चुका, क्योंकि मैंने 7 कॉइन तो यहाँ लगाया था ना, ये वाला कॉइन लगाया था, 1 कॉइन तो यूज किया है मैंने, तो इसीलिए वो +1 करना पड़ रहा है, ठीक है। सेम चीज कर रहा हूँ मैं तीनों के साथ,
और जो भी तीनों में से मिनिमम लाके देगा मुझे मैं वो फाइनली रिटर्न कर दूंगा। ये चीज चल रही है यहाँ पे और फाइनली मैंने वही किया रिटर्न आंसर, ठीक है आंसर रिटर्न कर दिया और ये चीज अब चलेगी। और यहां पर हम बेसिकली वही कर रहे हैं, अभी तक मैंने कुछ भी डीपी जैसा यूज नहीं किया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अभी भी कहीं पे यूज नहीं किया, कोई भी हम मेमोरी यूज नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम सब जगह जा रहे हैं, सब चीजों के लिए चेक करते जा रहे हैं और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसे चला के दिखाता हूँ आपको। तो एंड आंसर सपोज कुछ बना लेते हैं, पहले एंड एन बना लेते हैं, एन 18 है हमारे केस में, और एक एरे बना लेते हैं। तो एरे है हमारा 751, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है एरे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर सॉर्टेड है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये आपका एरे हो गया, उसके बाद आंसर होगा हमारा मिन कॉइंस एन एंड ए, एंड इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो जरा चला के देखते हैं, तो यहां पे आ रहा आपका 4, ठीक है, और 4 ही करेक्ट आंसर है, हमने चेक भी कर लिया। 4 का बात है जब आप 7 यूज करते हो, फिर 2 बार 5 यूज करते हो, और उसके बाद 1 बार 1 यूज करते हो। और ये वाला पाथ कैसे बनता है, आपने 7 यूज किया आपके बन गए 11, उसके बाद आपने 5 यूज किया तो आपका 11 से 5 किया 6, तो आपका 6 बन गया। उसके बाद 6 के बाद दोबारा आप 5 यूज करोगे एक बार, तो आपने यहाँ पे 5 यूज किया, और 5 यूज किया तो 6 में से 5 किया, अब बचेगा आपके पास सिर्फ 1, और 1 में से फिर आप 1 यूज करोगे तो आपका बन जाएगा 0, और जैसे ये 0 बनेगा ये आपको रिटर्न करेगा यहाँ पे, और ये 1 रिटर्न करेगा, फिर ये 1 ऊपर जाएगा और ये आपको 1+1 2 रिटर्न करेगा, फिर ये एक और ऊपर जाएगा तो 2+1 आपको 3 रिटर्न करेगा, और ये 3+1 एक ऊपर जाएगा तो आपको 4 रिटर्न करेगा, और 4 आप यहाँ पे बोल दोगे 4 मिनिमम आंसर आया। बाकी जगहों से कुछ कुछ अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन इस वाले पाथ से आपका मिनिमम आंसर आने वाला है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 4 रिटर्न हुआ है। बाकी और भी पाथ होंगे यहाँ पे, लेकिन उन सबसे आपका मिनिमम आंसर नहीं आने वाला था। तो ये वाला वो पाथ था जिसकी वजह से आपका आंसर आया, लेकिन अब देखते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसके अंदर कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसने बार बार इसके लिए भी सॉल्व किया होगा, इस पाथ में आके 6 के लिए, फिर यहाँ पे आया होगा इसके दोबारा से 6 के लिए सॉल्व किया होगा, यहाँ पे आया होगा 10 के लिए सॉल्व किया, दोबारा से 10 के लिए सॉल्व किया होगा 12 के लिए। इसी तरीके से और डीप में जाते होगे तो और भी काफी सारी प्रॉब्लम आपको मिलते रहेंगे जो आपकी ओवरलैप कर रही है, सबके लिए बार बार सॉल्व कर रही है, ठीक है। इसको बोलना कि भाई रुक जा, अगर इसको तूने ऑलरेडी सेव कर लिया आंसर तो उसको दोबारा से सॉल्व मत कर। तो उसके लिए हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, और ऐसा करते हैं ये 18 दे रखा है तो 18 का 18 लेंथ का एरे बना लेते हैं, जहां पे हर इंडेक्स में हम बताएंगे कि क्या आंसर है। तो अगर हमने 6 के लिए निकाल लिया आंसर ऑलरेडी, तो 6 का आंसर हम बता देंगे कि 6 का आंसर ये है, तो कभी अब दोबारा से वो 6 के लिए पूछेगा तो हम बता देंगे 6 का आंसर ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसके लिए कंप्यूटर मत करो दोबारा से, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ डीपी, ठीक है, और न्यू इंट, और इस एरे का साइज मैं रखता हूँ n+1, ठीक है, एरे का साइज है हमारा n+1, और इस एरे के अंदर मैं फिल कर देता हूँ एरेज डॉट फिल इस डीपी वाले एरे के अंदर -1। -1 डिपिक करेगा कि इसका अभी तक आंसर हमें नहीं मिला है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे ये बेस कंडीशन है हमारी, तो वैसे यहाँ पे एक बेस कंडीशन में इसे बतानी पड़ेगी कि डीपी के 0 तो इंडेक्स पे आंसर है 0, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे 0 बताया वैसे यहाँ पे भी इसे बता दो कि डीपी का जो 0 है वो 0 है, वरना वो पूरे टाइम घूमता रहेगा उसके अंदर, इसे कभी मिलेगा ही नहीं आंसर, ठीक है। तो डीपी का 0 जो है वो 0 है, तो हमें ये डीपी वाला एरे पास करना है, तो यहाँ पे डीपी वाला एरे पास कर देता हूँ डीपी, और ये एरे यहाँ पे आ चुका है, इसको यहाँ से पास कर देते हैं डीपी, और सिमिलरली यहाँ पे कॉल हो रहा होगा तो यहाँ पे पास करता हूँ मैं डीपी, ठीक है। अब देखते हैं ये डीपी एरे हम कैसे यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा अब यहाँ पर देखता हूँ कैसे यहाँ पे एकदम से ये क्वेश्चन नॉर्मल रिकर्शन से डायनेमिक प्रोग्रामिंग में चेंज जाएगा, और कैसे एन स्क्वायर एम से एन मल्टीप्लाई बाय एम में ये कन्वर्ट होता है, कैसे होता है जरा देखते हैं। तो मैं बोलूंगा कि सब आंसर आप ऐसे निकाल रहे हो, लेकिन आप पहले चेक करो कि क्या सब आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस वैल्यू के लिए एन माइनस ए आई के लिए। तो उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा कि पहले इंट सब आंसर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू होगी इनिशियली 0, हम चेक करेंगे कि क्या डीपी के अंदर एन माइनस ए आई है या नहीं है, इसका कोई आंसर है या नहीं है, मतलब अगर -1 है ये, अगर ये -1 नहीं है इसका मतलब आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तब तो जो सब आंसर होगा वो यही हो जाएगा एन माइनस सॉरी डीपी ऑफ एन माइनस ए आई, मतलब अगर 6 का आपको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, 6 का आंसर अगर -1 नहीं है तब तो आपका सब आंसर जो है वो कैलकुलेट मत करो ही मत, उसका आंसर आप यही होगा जो हमने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है इसके अंदर।
लेकिन अगर माइनस वन है अभी भी तब तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो तब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सिर्फ तभी सॉल्व करेंगे जब ऑलरेडी स्टोर्ड नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस वही किया है कि अगर हमने हमारे डीपी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, इस एरे में ऑलरेडी स्टोर्ड है, तब तो आप उस वहीं से उठा लो, अगर ऑलरेडी स्टोर्ड नहीं है तब उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इस डीपी के अंदर हम वैल्यू कहाँ से भर रहे हैं? तो जब भी हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं ना यहाँ पे, उससे पहले हम इसके अंदर डीपी के अंदर वैल्यू भी भर देते हैं कि डीपी ऑफ एन विल बी आंसर, ठीक है? या तो ये लिख दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को उड़ा सकते हैं और यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिटर्न डीपी ऑफ एन इक्वल्स टू ये, मतलब एक लाइन बचा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो ये था, और यहाँ पर देख रहे हो वो डीपी काम कर रही है। जब भी आप रिटर्न कर रहे हो आंसर किसी भी सब प्रॉब्लम का, जैसे आपने 6 का आंसर रिटर्न किया था ऊपर, तो वैसे ही इस 6 वाले को आपको डीपी में भी स्टोर कर देना है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से इसके नीचे कैलकुलेशन करी थी कुछ। तो 6 का आंसर आपने स्टोर करके रख लिया मेमोरी के अंदर, और आप ऊपर जाओगे और जब वापस आओगे तो आप चेक करोगे क्या डीपी के अंदर 6 पोजीशन माइनस वन है या नहीं है। तो बोलोगे 6 तो माइनस वन नहीं है, 6 तो भर चुकी है, तो अब नीचे जाने की जरूरत नहीं है, डीपी वाले एरे में से इस जगह पर जो भी था वो रिटर्न कर दो, ठीक है? और वो यहाँ पे सेम चीज वही हो रही है यहाँ पर, ठीक है? और तो अभी भी ये 4 ही ला के देगा, इसे चलाते हैं, ठीक है? अभी भी ये 4 ही ला रहा है, लेकिन एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको कि ये डीपी वाले एरे के अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है? तो फॉर, तो जरा देख रहे हो एरे क्या प्रिंट कर रहा है। तो एरे बेसिकली यहाँ पे ये 18 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, 18 नहीं 19 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, और 0th इंडेक्स पर 0, 1 इंडेक्स पर 1, और ये हर वैल्यू बता रही है कि इतने रुपए बनाने के लिए आपको कितने कॉइन्स लगने वाले हैं। तो 18 रुपए बनाने के लिए आपको 4 कॉइन लगने वाले हैं, 1 रुपए बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 कॉइन लगेगा वो 1 रुपए वाला, 2 रुपए बनाने के लिए आपको 2 कॉइन्स लगेंगे 1-1 रुपए के, 2 3 रुपए बनाने के लिए 3 कॉइन लगेंगे, 4 रुपए बनाने के लिए 4 कॉइन लगेंगे, 5 रुपए बनाने के लिए सिर्फ आपको 1 कॉइन लगेगा, ठीक है? तो ये 5th इंडेक्स पर आपका सिर्फ 1 कॉइन है, और वो क्यों लगेगा, क्योंकि आपके पास 5 रुपए कॉइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 6 रुपए बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 कॉइन लगेंगे, एक 5 रुपए कॉइन और एक 1 रुपए कॉइन। 7 रुपए बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 कॉइन लगेगा, क्योंकि 7 रुपए कॉइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते आ रहा है, और इस तरीके से ही ये आपकी जो एल्गोरिदम है, ये एम रिशो और एन ना जाके एम एन जा रही है। जरा वो भी देख लेते हैं कैसे जा रही है, जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज हमें कई बार क्लियर नहीं होती है, क्योंकि कॉल तो अभी भी उतनी हो रही है, लेकिन कॉल अब उतनी सारी नहीं हो रही है, कुछ कॉल्स हम रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे रिड्यूस कर रहे हैं जरा देखते हैं। तो हमने क्या रखा है कि इफ डीपी ऑफ एन माइनस एआई माइनस वन है, तब तो आप अगर माइनस वन है तब तो मिनिमम कॉइन्स निकालो, लेकिन अगर नहीं है तब यहीं से रिटर्न कर दो। इसका मतलब ये जो मिनिमम कॉइन्स वाली कॉल है, ये कितनी बार लगेगी, मैक्स टू मैक्स कितनी बार आप ये वाली कॉल लगाओगे? ये वाली कॉल आप देख रहे हो, आप लगाओगे हमेशा एन, मैक्स टू मैक्स एन टाइम्स लगाओगे ये वाली कॉल, राइट? तो यहां पर आपको वो एन टाइम्स कॉल करनी पड़ रही है, और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपके पास 5 रुपए के लिए एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी डीपी के अंदर, तब तो आपको नीचे कॉल करने की जरूरत नहीं है 5 रुपए के लिए, लेकिन अगर 5 रुपए के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है तब आपको कॉल करना पड़ेगा, सेम टू सेम हर एन के लिए, 0 से लेकर एन तक सबके लिए आपको ये चेक करना है कि अगर किसी भी सपोज बीच में आई है उसके लिए अगर एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर, तब तो आपको कॉल नहीं करना, लेकिन अगर नहीं करता तो कॉल करना पड़ेगा। तो एट मोस्ट आपको एन टाइम्स कॉल करनी पड़ रही है, राइट? एट मोस्ट आपको एन टाइम्स कॉल करनी पड़ेगी ये वाली, ये जो मिनिमम कॉइंस वाली कॉल है, और ये आप लूप चला रहे हो ए डॉट लेंथ, मतलब एम टाइम्स, अगर ए का साइज आपका एम है तो एम टाइम्स ये वाला लूप चला रहे हो, और ये वाली कॉल कर रहे हो आप सिर्फ एन टाइम, तो एम टाइम्स एन आपका यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो क्योंकि हमने स्पेस यूज किया इसलिए हमारा वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बड़ी सी, अब वो छोटी हो चुकी है, हम स्पेस यूज करके अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बचा रहे हैं, तो वहां पर वो स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन यही होता है आपका बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब ये जो चीज है, आप सिंपल यहाँ पे 1D एरे के अंदर स्टोर कर रहे हो, कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे हम 2D एरे के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि यार 2D एरे में भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस लग जा रहा है, तो हम वहाँ पे एक मैप बना के स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? हैश मैप बना लेते हैं, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर कर लेते हैं। बेसिकली हमें मेमोरी यूज करनी होती है जिससे कि हम अपने टाइम को बचा सकें, कैसे भी वो यूज करो वो मेमोरी। यही होता है बेसिकली यार आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और आई होप आपको समझ में आएगा कैसे आपका बेसिकली काम करता है। हमने ये वाला कोड भी देख लिया, और कई बार जो आपका डाउट रहता है कि कैसे हम रिकर्जन को कर सकते हैं लूप के साथ, तो आज हमने वो भी देख लिया, तो आई होप आपको वो भी क्लियर हो गया हो, ठीक है? इसके बाद वाली वीडियोस में हम थोड़े और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे कैसे काम करती है वो प्रॉब्लम, ठीक है? इसके अंदर बहुत ही एक फेमस प्रॉब्लम होती है 01 नैपसैक, जिससे आपके बेसिकली ज्यादातर डीपी के जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो उस कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं।
तो वो हम समझेंगे कैसे काम करता है, कैसे 2D मैट्रिक्स के अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम स्टोर करते हैं। उसके अलावा आपको मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, जहां पर जाके आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यार इतना ही था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज जाकर लाइक कर देना इस वीडियो को, और जाके वो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, अपना सपोर्ट दो। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर बात करूंगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के और एडवांस प्रोग्रामिंग के। तो इससे अभी जल्दी आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Okay.